हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है डेलिकेसीज ऑन द प्लेट टेस्ट एज नेवर बिफोर में। आज मैं आपको बताऊंगी छोले भटूरे की झटपट रेसिपी। जब भी आपका छोले भटूरे खाने का मन करे तो महज 30 से 40 मिनट में आप ये टेस्टी छोले भटूरे घर पर बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। भटूरे बनाने की परफेक्ट रेसिपी भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने करीब 300 ग्राम काबुली चना ले लिया है, जिसे मैंने रात भर भिगो के रखा था। या तो फिर कम से कम आप 5 से 6 घंटे इनको भिगो कर रखें ताकि ये अच्छे से फूल जाए। अब इनको मैं एक प्रेशर कुकर में डाल दूंगी। इसी के साथ इस पर मैं डाल दूंगी 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से चने जो हैं एकदम फूले फूले बनेंगे, एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 1.5 ग्लास पानी और नमक स्वाद अनुसार। इनको अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें मैं हल्दी नहीं डालूंगी क्योंकि मैं चने के साथ ही 5 छोटे साइज़ के आलू इस तरह से ऊपर से रख दूंगी और इनको भी मैं चने के साथ बॉईल कर लूंगी। थोड़े से आलू मैं भटूरे में यूज़ करने वाली हूं, जिससे कि भटूरे एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो इसीलिए मैंने चने में हल्दी नहीं डाला है। अब दूसरी तरफ मैंने ले लिया है 2 मीडियम साइज़ का प्याज, 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा और करीब 12 से 15 लहसुन की कलियाँ। इनका स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लूँगी। इसी के साथ कुछ खड़े मसाले जैसे 3 से 4 लौंग, 3 से 4 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 1 जावित्री, 10 से 12 काली मिर्च के टुकड़े। इन सारी चीज़ों को अच्छे से पीस कर इनका पेस्ट बना लें। अब मैंने एक कढ़ाई यहाँ ले ली है और कढ़ाई में मैं डाल दूंगी 5 से 6 बड़े चम्मच तेल। तेल अच्छे से गर्म हो जाए इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा अच्छे से भून लें। फिर इसमें मैं डाल दूंगी 2 तेज़पत्ता और 2 कश्मीरी लाल मिर्च सूखी हुई। इसमें डालकर इन दोनों को अच्छे से भून लेना है करीब 30 से 40 सेकेंड के लिए धीमी आंच पर। इनको भून लें। उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 2 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ। अब इस प्याज को मीडियम आँच पर हल्का सुनहरा होने तक भून लेना है। फिर इसमें मैं डाल दूंगी जो पेस्ट मैंने बनाकर रखा था, अदरक लहसुन और प्याज का। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चने भी अच्छे से बॉयल हो गए हैं। प्रेशर कुकर का जो स्टीम है वो निकल गया है, तो ढक्कन को हटा लिया, चने अच्छे से बॉयल हो गए। अब मैं आलू को निकाल कर इनको मैं छील लूँगी और 3 आलू को मैं कद्दूकस करके भटूरे में यूज़ करूँगी और 2 आलू मैं छोले में डालूँगी, जिससे कि छोले को बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए प्याज लगभग भून गया है, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने ये पेस्ट डाल दिया और इनको तब तक भूनना है जब तक कि इनका कच्चा फ्लेवर नहीं निकल जाए और इस पेस्ट में से तेल ना अलग होने लगे। तो करीब 2 से 3 मिनट इसे धीमी आंच पर भून लेना है अच्छे से। तो अब मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच छोले मसाला ले लिया है, उसे डाल दिया है। इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और करीब 2 बड़े चम्मच यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, जिससे कि बहुत अच्छा कलर आएगा इस छोले में। इनको भी अच्छे से मिक्स करके भून लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर को पीस कर उनका प्यूरी बना लिया है, उसे मैं कढ़ाई में डाल दूँगी और अब इसे फिर से भूनना है जब तक कि टमाटर अच्छे से पक ना जाए और इस पेस्ट में से फिर से तेल ना अलग होने लगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि टमाटर भी अच्छे से पक गया है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर की प्यूरी डाल दी है, इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और इसी तरह से धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। इसी के साथ मैं इसमें डाल दूँगी 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, जिसे मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है और इसे मैं इस तरह से हाथ में लेकर हथेलियों से क्रश करके डालूँगी, तो इससे इसका पूरा फ्लेवर ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। कसूरी मेथी से छोले में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसीलिए इसे ज़रूर डालें। वैसे अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी नमक स्वाद अनुसार और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब मैंने यहाँ पर डाल दिया है 2 आलू, जिनको छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैं आलू को इस तरह से क्रश कर लूँगी, तो इससे छोले की जो करी है उसको बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी मिलेगी, गाढ़ी कंसिस्टेंसी मिलेगी। तो आप चाहें तो आलू को ग्रेट करके भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ग्रेट नहीं किया है, छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दिया है। ये जैसे जैसे ग्रेवी में पकेगा वैसे वैसे ये खुद ही गल के इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी काबुली चने। जैसे कि पानी में मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला था, इसीलिए मैं उसे इस करी में यूज़ नहीं करूँगी।
ये आप पर है कि आपको उस पानी को यूज़ करना है या नहीं। मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर रही हूँ, बल्कि करी को बनाने के लिए मैं दूसरा ताज़ा पानी यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चने को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अगर कोई आलू के पीस आपको दिखें तो उनको आप क्रश कर लें। अब मैं इसमें डाल दूँगी करीब 3 कप पानी, यानी कि करीब 1.5 गिलास पानी इस कढ़ाई में डालकर छोले के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर इसे ढक्कन लगाकर करीब 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक चने पक रहे हैं तब तक भटूरे के लिए आटा गूंथकर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने करीब 2 कप मैदा एक मिक्सिंग बोल में ले लिया है। इसमें मैं डाल दूँगी 2 बड़े चम्मच रवा, जिससे कि बहुत अच्छा क्रिस्पीनेस आएगा भटूरे में। और फिर इसमें डाल दूँगी नमक स्वाद अनुसार, 2 बड़े चम्मच तेल, तो इस तरह से मोइन इसमें दे दूँगी। और फिर जो 3 आलू मैंने बचा कर रखे थे उनको मैंने कद्दूकस करके रखा था, उसे डाल दूँगी। तो कद्दूकस कर लेने से आलू के बिल्कुल भी लम्स नहीं रहेंगे और अच्छे से ये आटे में मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार और करीब 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर तेल डाल दिया है। सारी चीज़ों को सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर लें और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सख्त आटा गूँथ कर तैयार कर लेना है। आटा तैयार हो जाए उसके बाद इसे ढक कर मैं करीब 5 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख दूँगी, जिससे कि आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। 5 मिनट बाद इसे एक बार और थोड़ा सा मसल के चिकना कर लें। तो यहाँ पर आटा गूँथ कर तैयार कर लिया है, इसे मैं ढक कर करीब 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। एक बार मैं छोले को चेक कर लेती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं छोले पक गए हैं। अब मैंने यहाँ पर डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच टोमेटो सॉस। टोमेटो सॉस पूरी तरह ऑप्शनल है, लेकिन इसे डाल देने से छोले का जो फ्लेवर है बैलेंस हो जाएगा और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस 1 टेबल स्पून इसमें डालें। और अब यहाँ पर मैंने आखिर में डाल दिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर हमारा छोले बनकर तैयार हो गया है। हरा धनिया मिक्स करके छोले को मैं आंच पर से उतार दूँगी और अब भटूरे बनाने की तैयारी करूँगी, जिसके लिए कढ़ाई में मैं रख दूँगी तेल गर्म होने के लिए, और मीडियम आंच पर ही फ़िलहाल तेल को रखें। और दूसरी तरफ आटा एक बार चेक कर लें, 5 मिनट हो गया है। तो 5 मिनट बाद इसे इसी तरह से मसल के चिकना कर लेना है। कोई भी पानी या तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, भटूरे का आटा बनके तैयार है। भटूरे बनाने के लिए आटे के छोटे छोटे लोए तोड़ लें, करीब रोटी से थोड़ा सा बड़ा ही रखें। और अब इनको इस तरह से हथेलियों के बीच में चिकना कर लें और गोल लोई बना लें। फिर थोड़ा सा तेल लगाकर ग्रीस कर लें और फिर इनको बेलकर एक 6 से 7 इंच के डायमीटर में पूरी की तरह बेलकर तैयार कर लें। भटूरे थोड़े से मोटे ही रखें, जिससे कि ये अच्छे से फूलेंगे। और तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही आप भटूरे बेलना शुरू करें वैसे ही आंच को तेज़ करके तेल को तेज़ आंच पर गर्म करें। भटूरों को तेज़ आंच पर ही तलें ताकि हल्के से सुनहरे बने ये भटूरे और दिखने में बहुत टेम्पटिंग लगे। तो ये देखिए यहाँ पर एक भटूरा बेलकर मैंने तैयार कर लिया है, तेल भी गर्म हो गया है। तो इस तरह से मैं भटूरे को तेल में डाल दूँगी और आंच को मैंने तेज़ रखा हुआ है। इस तरह से कलछी की सहायता से दबा दबा कर भटूरे को फ्राई करें, जिससे कि भटूरे अच्छे से फूल जाएंगे। और फिर इनको पलट के दोनों तरफ से हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से इनको पलट पलट के 1 से 2 बार पलट लें और भटूरे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो फिर ये गर्मा गर्म भटूरे आप छोले के साथ सर्व करें, थोड़े से प्याज काटकर और एक नींबू के स्लाइस के साथ। बहुत ही टेम्पटिंग और टेस्टी डिश है ये। तो इस तरह से मैं दूसरे भटूरे को आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से आलू और रवा डाल के अगर आप भटूरे बनाएंगे तो ये ठंडा होने के बाद भी एकदम सॉफ्ट बने रहेंगे। तो आप मेरी इस छोले भटूरे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। महज 30 से 40 मिनट में टेस्टी छोले भटूरे बनके तैयार हो जाते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहेगा।